आगरा से ही अगली कॉलर है नीलम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी आदाब। नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार सर। मेरी बात है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। जी मेरी मम्मी बताइए। है ना, वो उनकी एज 70 साल है। उनको अस्थमा की और हार्ट की परेशानी है ना। पहले ही कॉल किया था मैंने तो उसको, उनको है ना अस्थमा के लिए तो आर केयर चल रही है और एच केयर कैप्सूल चल रहे हैं हार्ट के लिए। उनकी रिपोर्ट में है ना अब थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है फेफड़ों में और हार्ट 48% काम कर रहा है। वो तो आपको पता सर कितना काम करना चाहिए 70 साल की एज में। और अब है ना आपके डॉक्टर के यहाँ से पूछा ना तो उन्होंने बोला है कि एच केयर कैप्सूल की बजाय अब एच केयर सिर्फ लेना होगा एक बोतल आपको, तो उनसे कंप्लीट इलाज हो जाएगा और माजुन आर केयर से ये इन्फेक्शन दूर हो सकता है क्या, ये पूछ रही थी सर। ठीक। हाँ देखिए, एक नुस्खा है वो हम बताते नहीं हैं, वो मिश्रण है दवाओं का, सिर्फ एच केयर कहते हैं उसे, चाहे तो लें चाहे तो न लें। एच केयर कैप्सूल भी काफ़ी है और इस उम्र में ज़रा देर से फ़ायदा होता है और उनका हार्ट पहले से बेहतर काम करने लगा, ये खुशी की बात है। और ये आपको जब भी ज़रूरत पड़े, देखिए इतनी उम्र है तो एलोपैथिक दवा दे सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ये माजून लगातार और खिलाइए कई महीने तक और ये सब देते रहिए, और जो भी इलाज की उनको ज़रूरत हो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप दीजिए लगातार। आपकी जो सांस हैं, एक तो आप अपनी सांस की इतनी सेवा कर रही हैं, देखिए इससे मैं ही नहीं भगवान भी बहुत खुश होता है कि आपने अपनी सांस को अपनी माँ समझकर सेवा की, आपके बच्चे और आपकी बहू भी आपको इतनी मोहब्बत और सेवा करेंगे। अगर किसी को चाहिए कि उसकी बहू और उसके बच्चे, उसके पोती पोता उससे मोहब्बत करें उनकी आखिरी उम्र में, तो आप, आपके सामने जो जिम्मेदारियां हैं सास ससुर की और घर के बुज़ुर्गों की, उनको पूरा कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और ये देते रहिए, आप चाहें तो ले सकते हैं, हम कभी दवा लेने के लिए ज़िद नहीं करते। आपको नुस्खा बनाना है नुस्खा बना लें, आपको सास के लिए मैं दुआ भी करूँगा कि आपकी सेवा से उनको भगवान खूब लंबी उम्र और सेहत के साथ उम्र दे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का।